नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी। आज हम तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे, जिस तरीके से इस समय देश के हालात हैं उस हालात पर उनका क्या सोचना। जिस तरीके से, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के रेट 100 के ऊपर हो गए हैं और ख़ासतौर से डीजल रीवा में सबसे पहले, मध्य पूरे देश की अगर बात की जाए तो अगर तीन शहरों का नाम लिया जाए उसमें एक शहर रीवा भी था, 100 का आंकड़ा रीवा ने पार किया। कैसे आप इसको, तेल की कीमतों को देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम सस्ता खरीद रहे हैं और ऐसे समय में इतना महंगा बेचना, तो ये गरीब किसान के जेब में तो डाका डालना ही है ना। तो ये मोदी सरकार डाका डाल के बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है। डीजल और पेट्रोल जब हम महंगा खरीदते थे यूपीए गवर्नमेंट में, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, श्रीमती सोनिया जी ने, राहुल जी ने देश की जनता को जितने में खरीदते थे उतने में देश को अवेलेबल कराया बिना किसी भेदभाव के। तब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे, विरोध करते थे, और यहाँ तक कि एक पिक्चर भी महंगाई डायन खाद जाए थे, पिक्चर भी बनवा डाली थी। पर अब इन सब विषयों से ऊपर उठ गए, अब इनके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी अगर कोई बात करता है, महंगाई की कोई बात करता है, कोई रोजगार की बात करता है, तो ये बात को टाल जाते हैं। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। और कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने देश के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, सारी बुनियादी सुविधाएं, सिंचाई सुविधाओं से लेके, विद्युतीकरण से लेके, बहुत सारा का देश में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी तो जो हमारी व्यवस्थाएं बनी हुई उसको बिगाड़ने में लगी हुई है, तथाकथित कुछ लोगों को बनाने में काम कर रही है, पर देश के नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान, इनसे कोई मतलब नहीं है। अभी जैसा कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर एक पर, साथ ही ये देखा गया है कि कुछ जगह वैक्सीन नहीं लगी और उनके पास मैसेज आ गया। देखिए, ये टेस्टिंग में भी फर्जीवाड़ा था। जब टेस्टिंग हो रहा था तो टेस्टिंग में भी आंकड़े जो है ना बढ़ा चढ़ा के पेश किए जा रहे थे, और उस समय भी जो है ना उसमें भी भ्रष्टाचार किया। अभी वैक्सीनेशन में भी जो है ना वैक्सीन लगी नहीं और आंकड़ा बढ़ा के जो है ना नंबरिंग हो रही है। यही काम तो कर रहे हैं ये लोग, इसमें माहिर है। और इससे जो है ना हमारी देश की, प्रदेश की जनता को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरू से हम तो देख रहे हैं, इनका संगठन देश की, प्रदेश की जनता को गुमराह करके और अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। देश का, प्रदेश का कोई भला नहीं हुआ है। राम मंदिर विवाद को किस नज़र से देखिए? राम मंदिर बनना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के हम लोग भी पुजारी है, हम लोग भी जिनका नाम लेते जगमाही सकल मंगल मूल नसाही, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण हम लोग भी करते हैं और इनसे ज़्यादा करते हैं। और उनके, हमने जहाँ तक अध्ययन किया है रामचरितमानस का, उसमें अगर हम बात करें, जो राम राज्य की बात करते हैं, तो वहाँ कर्मों का उल्लेख है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहीं नहीं ये उल्लेख किया है, तुलसी बाबा ने कहीं ये उल्लेख नहीं किया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनना चाहिए। उनके कर्मों का उल्लेख है, और उसमें कर्मों में क्या है, दीनहीन कोई परेशान है उसकी सेवा करो, उसकी मदद करो, उसमें ये सरकार पीछे है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी को भी बेचने में लगे हुए हैं, और अभी तो कमाल हो गया साहब, इनको डर ही नहीं है। अब तो वहाँ भी फर्जीवाड़ा, वहाँ भी उनके नाम से भी जो ट्रस्ट में जो ज़मीन खरीदी गई उसमें भी घोटाला, तो क्या भगवान माफ़ करेंगे? भगवान कौन है? यही जनता जनार्दन जिसको, वही भगवान है, और उसी में भगवान श्री रामचंद्र जी वास करते हैं, और ये जनता कभी इनको माफ़ नहीं करेगी। तो भगवान यही है और इनको सजा मिलेगी। दो सीट से जो इनकी देश में शुरुआत हुई थी, ये वहीं आके रुक जाएंगे, उससे हो सकता है जीरो पे भी नहीं पहुँच जाए, ये स्थिति पैदा होगी। इनने पैसा बहुत बना लिया है और पैसे के दम पे, छल कपट पे देश और प्रदेश में राज्य करना चाहते हैं, पर पैसा भी नहीं चला अभी पश्चिम बंगाल में, और वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी बनेगी, देश में भी बनेगी, आप देखते जाइए, समय बदलेगा। महंगाई जिस तरीके से चरम पर है, पेट्रोलियम पदार्थ के रेट तो बढ़ ही गए, खाद्यान्न भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तमाम तरीके से महंगाई दर अगर बात की जाए तो
12.9% के ऊपर चली गई है। तो महंगाई को लेकर कांग्रेस की क्या भूमिका होगी आगे आने वाले समय में? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अभी महंगाई के विरोध में आंदोलन किया है और आने वाले समय में भी पूरे देश में अभी जो कोविड से डेथ हुए हैं उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने प्रोग्राम बना के दिया है। तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, कांग्रेस पार्टी जनता के हित में हम लोग आंदोलन करते रहे हैं और तेज़ी से करेंगे, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर जनता परेशान है, जनता के साथ सत्ताधारी लोग अन्याय कर रहे, अत्याचार कर रहे हैं, तो उनको जगाने का काम है हमारा। पर सच बात तो ये है कि ये लोग जगने वाले नहीं हैं, ये मूक बधिर हो गए हैं। आप देखिए, 7 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सीमा पे दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, वहाँ कटीले बाड़ लगवा दिए जाते हैं जैसे किसी सीमा, जैसे आतंकवादी लोग हों, पर देश की सरकार उनके हित के लिए, न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। किसान आंदोलित है, ऐसे ही हम लोग भी, हमने अभी 31 मई को सीधी जिला मुख्यालय में खाद्यान्न वितरण में धांधली, बिजली की समस्या, कोविड महामारी में जो कमी है लोगों को ऑक्सीजन से लेके दवाई में घोटालेबाजी, इन सारे विषयों को, फिर कोविड में जो डेथ किए हैं उनका आंकड़ा छुपाने में लगे हैं, प्राकृतिक आपदा घोषित करें, 4 लाख रुपए मुआवजा दें, ऐसे बहुत सारे विषयों को लेके, और हम 5 घंटा नौतपे में धूप में बैठे रहे अम्बेडकर जी के प्रतिमा के पास। और इसलिए धूप में बैठे कि भाजपा के नेताओं को ये समझ में आए कि जनता परेशान है, कोई विधायक अगर खुले आसमान में बैठा है नौतपे में, तो इनको समझ में आए, इनके आंखें खुलें, इनका कान खुले, लोगों की परेशानी को समझें। पर सच बात है कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है। इनको मुझे जहां तक लगा कि ये पूरी तरह से बधिर हो चुके हैं, इनको न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है, ये आत्मुग्ध हैं, ये इनके पास सिर्फ इनको भ्रष्टाचार करना है, इनके पास पैसे का बहुत घमंड हो गया है, पर ये जनता सब चूर चूर करेगी। पर हमारा काम है, विपक्ष में है, हम तो समय समय पे आवाज़ उठाएंगे, जनता को भी जागृत करेंगे, अपने जो विपक्ष की भूमिका है उसका भी निर्वहन करेंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बातचीत की। इनका साफ तौर से कहना था भारतीय जनता पार्टी पैसे के बल पर ये चाहती है वो चाहती कुछ भी कर लेगी, लेकिन जनता सब देख रही है और आगे आने वाले समय पर जनता इसका जवाब देगी।